हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फिनोल की अनुनाद संरचना। बच्चों, ये एकदम एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो जो बच्चे ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो इसको फोकस करके, ध्यान केंद्रित करके इसको देखेंगे कि फिनोल के अंदर अनुनाद कैसे होता है। ठीक है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं, फिनोल। फिनोल, फिनोल की अनुनादी संरचना, फिनोल की अनुनादी संरचना। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों। होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिनोल क्या होता है। फिनोल बच्चों ये होता है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास होती है बेंजीन रिंग, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बेंजीन बोला जाता है, और बेंजीन के ऊपर बच्चों यहां पर एक ग्रुप लगाया जाता है, OH ग्रुप, OH ग्रुप लगाया जाता है। ये जो अब दिखाई दे रहा है कंपाउंड, इसी को बच्चों बोलते हैं फिनोल। दिस इज ए फिनोल। अब इसकी अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती हैं वो देखना, हम किस टाइप से बनाते हैं। देखो, हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, यहां पर इसके पास लोन पेयर है। तो होता क्या है, यहां पर इस जो OH ग्रुप का होता है ये मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है, मेजोमेरिक, या इसको अपन ये बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट जो होता है रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जब रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट है तो ये क्या करता है, हमारे पास यहाँ पर इसमें संयुग्मन प्रेजेंट होता है, कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं। तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से, देखो कॉन्जुगेशन कैसे, लोन पेयर सिंगल डबल, एक कंडीशन होती है कॉन्जुगेशन की, जो कंडीशन यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर लोन पेयर है सिंगल और डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, यानी इस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है। जब कॉन्जुगेशन होता है तो वहां पर वो कंपाउंड क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वहां पर बनता है। कैसे बनती है, देखो यहां से होगा क्या कि ये लोन पेयर है, लोन पेयर से बॉन्ड, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में चेंज होता है, और जो बॉन्ड पेयर है हमारे पास वो बदल जाता है बच्चों लोन पेयर के अंदर। स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी, स्ट्रक्चर बनती है इस टाइप से, जो जिसमें कोई चेंज नहीं, पहले वो नोट करेंगे, जो चेंज हो रहा है उसको देखते हैं किस टाइप से। देखो यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है स्ट्रक्चर में, इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं ऑक्सीजन, तो एक पूर्ण पहले से ही था यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ से क्या बन जाता है, एक और पूर्ण बन जाता है, और यहाँ बन जाता है ओ और एच। जैसे ये बन गया तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी जो संयोजकता होती है वो यहाँ पर थ्री हो गई है, वन टू टू पूर्ण ये, एक पूर्ण ये, थ्री हो गई। क्या करते हैं तो थ्री होती नहीं है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव का चार्ज दिखा देते हैं, राइट। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर आएगा नेगेटिव और लोन पेयर, इस टाइप से होता है। अब क्या होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट यदि बात करें तो ये लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड, फिर से कॉन्जुकेशन है, फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो लोन पेयर फिर से बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड है ये नेक्स्ट कार्बन के ऊपर बच्चों शिफ्ट हो जाता है। होगा क्या, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस टाइप से बनती है हमारे पास। यहां तक देखेंगे, यहां पर बॉन्ड बनेगा, राइट, यहां पर भी बॉन्ड बनना है, राइट, यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो यहां पर आएगा नेगेटिव और लोन पेयर, ठीक है। यहां देखेंगे आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, और ये एडजेक्टिव जैसे कैसे रहेगा, ओ एच पॉजिटिव, इस टाइप से रहेगा। फिर से आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसमें फिर से क्या है, हमारे पास कॉन्जुकेशन है, संयुग्मन है, लोन पेयर सिंगल डबल। फिर से भाई ये लोन पेयर बच्चों बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, और बॉन्ड पेयर क्या बनेगा, लोन पेयर, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, यानी यहां बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड है वो तो किसमें चला जाता है, लोन पेयर में। फिर से एक स्ट्रक्चर बन जाती है हमारे पास, इस टाइप से बनेगी, ये देखो ये यहां तक डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव,
इसमें इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ नोट किया, जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव लोन पेयर, और यहाँ देखेंगे आप क्या आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर फिर से क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट देखो लोन पेयर, यहाँ पर जैसे ही आ गया कौन का बन गया, राइट होगा क्या, अब देखिए यहाँ पर लोन पेयर सिंगल, ये फिर क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ पर और ये यहाँ चला जाता है, तो बनेगा क्या देखते हैं, यहाँ पर वापस से ये यहाँ और ये यहाँ पर, तो ये चला जाता है, इस टाइप से बनेगा हमारे पास, इस टाइप से आप देख सकते हैं, डबल सिंगल और यहाँ क्या बनेगा डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाता है, ये बन जाता है OH, फिर से यहाँ पर क्या जाते हैं लोन पेयर। तो इस टाइप से हमने देखा फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब कॉन्जुगेशन होगा तब ये कंडीशन होती है, कॉन्जुगेशन होने की वजह से रेजोनेंस ये फिनोल हो गया, और ये जो बनी है इसकी, ये सारी क्या है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो क्या रहा है इसके अंदर, इस रिंग में इस वलय में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज हो रहे हैं, घूम रहे हैं, और यहाँ से देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा तो एक ही डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड अपना जगह छोड़ चुके हैं, यानी पाई बॉन्ड जहाँ थे वो चेंज हो चुके हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, ये जितनी भी यहाँ पर ये इनको बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं, और यहां से आप ये भी नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जो फिनोल होता है जिसमें जो OH जो ग्रुप होता है, OH जो समूह होता है, इस OH समूह का अनुनाद प्रभाव होता है, अनुनाद प्रभाव। आज के लिए बच्चों हम यहीं तक बात करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप इसको एक बार अच्छे से देखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।